सो हे एवरी वन स्वागत है आपका पोकीमोन लास्ट फाइव रेड के थर्ड एपिसोड में और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना और शुरू करते हैं आज की वीडियो तो हम लोग पोकीमोन सेंटर के बाहर आए और यहाँ पर हमें ट्रेसी मिला आई लव टू ट्रेवल हैव यू एवर विजिटेड सेलिडोन सिटी वाट नॉट एट यू आर अ पोक्यूमोन ट्रेनर एंड यू विल विजिटिंग द सिटी सुन okay that great you are going to love this city i'm sorry sorry i forgot to introduce m yourself my name is tracy i am a pokemon trainer and at the same time a pokemon watcher i travel the world to observe and study pokemon and i always looking for new and undiscovered pokemon so you are pokemon trainer right that great i really want to try my new pokemon पोकीमॉन इन बैटल तो गाइज हम लोग ट्रेसी के साथ बैटल स्टार्ट कर चुके हैं ट्रेसी ने अपना पहला पोकीमॉन वेनोनेट नेट को भेजा मैंने फ्रोगी डियर को तो फिर मैंने एक्सचेंज करके राबूट को बुला लिया और फिर उसके बाद मैंने राबूट का पहले वेनो नेट ने मुझ पर अटैक कर दिया फिर उसके बाद मैंने फ्लेम चार्ज को वेनो नेट पर यूज़ कर दिया जिसके साथ वेनो नेट का एच पी लो हो चुका था फिर उसने मुझ और अटैक यूज़ किया फिर उसके बाद मैंने उस पर एम्बर यूज़ किया उसे ख़त्म कर दिया फिर अब ट्रेसी का सेकंड पोकेमोन आने वाला था जो होने वाला है मैरेल तो उसको हटाने के लिए मैंने अपना फ्लेफी को बुला लिया और इसके मेडल पे मैंने एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव हमें चाहिए तो इलेक्ट्रो बॉल इस पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रो बॉल के साथ इसका आधी एच पी जा चुकी है और इसने हम पे प्लेयर ऑफ यूज़ किया जिससे हमारी भी आधी एच पी जा चुकी है उसके बाद हम भी पॉइजन हो चुके थे तो हम लोग ने इस पर इलेक्ट्रो बॉल यूज़ किया जिसके साथ ये ख़त्म हो चुका है फिर उसके बाद ट्रेसी का थर्ड पोकेमोन आने वाला था तो अब हमारा फ्लिफ्री नॉक हो चुका है तो हमें नेक्स्ट पॉकीबन चाहिए तो मैं फ्रोगी डेयर को भेजता हूँ देखते उसके पास कौन सा पॉकीमन है ट्रेसिन साइटर को भेजा तो मेरा चॉइस गलत निकला तो चलो इस पर वाटर पल्स यूज़ करके देखते हैं लिटरली एक शॉट में मुझे मार दिया इसने तो फिर मैंने राबूट को बुलाया और राबूट का फायर टैप अटैक इन्फिनो एवर ड्राइव मैंने यूज़ कर दिया जिसके साथ उस उसने अपना जीमू को यूज़ किया और एक अटैक में साइटर की तो वाइट लगा दी उसके बाद हम लोग ट्रेसी से बैटल जीत चुके थे तो फिर ट्रेसी निकलाई हार्ड डेयर वॉज लेजेंडरी पॉक अराउंड डैट वे आई कैम समझ रहे हो ये किसकी बात कर रहा है अब तुम लोग कमेंट करो यहाँ पे कौन लेजेंडरी पॉकीमन है I am going to looking at the other part of the city but before I do tell me your name it's as okay I won't forget it you are a trainer that mean you collect badge right I wish you good luck for the next oh crap I almost forget to give you something तो इसने मुझे एलमिनियम कॉइन दिया है अभी ये निकल गया चलो पोकेमॉन सेंटर में पहले अपने पोकेमॉन को हील कर लेते हैं उसके बाद हम लोग चलेंगे बिल के पास तो अगर आपको पता नहीं है बिल एक साइंटिस्ट है जिसके पास हमें जाके हमारा एस एस आना का शिप का टिकट लेना है तो पहले मैं राबुट को आगे रख लेता हूँ क्योंकि आगे में हमें काम देगा तो फिर मैं यहाँ से निकल ही रहा था यहाँ पर ये इंस्पेक्टर है इसका नाम क्या था कुछ भी हो चलो आगे बढ़ते हैं तभी यहाँ से हमारे प्रोफेसर गए आई फॉरगेट टू गिव प्रोफेसर ओक ने हमें मेगाडिंग दिया The Mega Ring allow your Pokemon to Mega Evolve in battle but only but only if he holding the right mega stone meme i see you forget catch some good pokemon as you know in the past i was a champion and even thought i am a pokemon professor i never forget the feeling of a pokemon trainer That's why when i see you i see myself and when i was यू नो वाट आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम आई did शो यू वाट एन ओल्ड चैम्पियन कैन डू तो आपको पता ही होगा प्रोफेसर ओक पहले चैम्पियन रह चुके हैं और हमें प्रोफेसर ओक को बीट करके चैम्पियन बनना है तो पहले मैंने उनके पिकाचू को हराया फिर आईवासोर को फिर चार मिलियन को फिर उसके वॉक टर्टल को और ईवी ने बहुत बहाना किया लेकिन मैंने उसे भी हरा दिया कह रहे हैं कि मैंने अपने बैटल में स्ट्रेटजी यूज़ किया एज़ यू नो इन मोस्ट बैटल यू कैन यूज़ योर बैग डेट वाई आई एम गोइंग टू गिविंग यू एन आइटम डेट विल हेल्प यू अ बिट। लाइफ और एन आइटम टू बी हेल्ड बाई अ पॉकिंग इट बूस्ट द पावर ऑफ मूव एट द कॉस्ट ऑफ सम एच पी एंड इच इट हीट विल आई विल लेट यू कंटिन्यू योर एडवेंचर बट प्लीज़ डू योर बेस्ट ओके ब्रो ओके टू कैच डेम ऑल फिर यहाँ पे गैरी आ चुका था तो गैरी हमसे बैटल करना चाहता था तो हम लोग भी कर ही लेटे बैटल अपना ही लड़का है फिर उसके ड्रीजल को मैंने हराया फिर उसके एक चंगा मो पोखीमन को हराया फिर मेरा राबुट हेडबट सीखने लगा चलो सिखा देते हैं अच्छा मूव है हेडबट तो मैंने क्योंकि अटैक को आटाक के हेडबट सिखा दिया राबुट को फिर उसके बाद फ्रोगी टीयर इवॉल्व हुआ फिर यहाँ पे मैंने उसका सारा पॉकीमोन की वाट लगा दी आई वांट टू बिल एंड गॉट हिम टू शो मी हिज रेयर पॉकीमॉन डैट एडेड अ लॉट ऑफ पेजेस टू माई पॉकी आफ्टर ऑल बिल वर्ल्ड फेमस एज अ पॉकीमैनिक इन्वेंट द पॉकीमॉन स्टोर सिस्टम इन पी सी सेंस यू आर यूजिंग हिज सिस्टम यू शुल्ड थैंक हिम विल आई बेटर तो ये बिल से मिल के आया है और ये अब हमें कुछ देने वाला है क्या देगा बोलो सो हेयर आई गिव यू अ लिटिल प्रेजेंट एज़ अ फेवर इसने हमें फेम क्रैक कर दिया है अ डिवाइस डाइज अनेबल योर यू टू रिकॉल वाट यू हैव हैड एंड सीन अबाउट फेमस पीपल इससे हम लोग फेमस पीपल से मिल सकते हैं क्या हम लियोन से भी मिल सकते हैं चलो आगे चल के देखते हैं यहाँ पे एक ट्रेनर है जिससे हमें बैटल करना है तो राबुट को आगे रखते हैं क्योंकि ये एक बग कैचर लग रहा है मुझे तो इससे मैंने बैटल ले लिया है ये सही में बग कैचर निकला इसके पहले पिंसर को मैंने हराया फिर इसके दूसरे पोकिंग को मैंने हराया और तीसरे को भी मैंने हरा दिया फिर उसके बाद इसके पास बटरफी था जिस पर मैंने बटरफी मेगा इवॉल्व हो गया बटरफी मेगा इवॉल्व होता है मैंने पहली बार बटरफी को मेगा इवॉल्व होते हुए देखा चलो फिर मैंने इस पर जी मूव यूज़ किया इनफनो ओवरड्राइव ओवर ड्राइव जिसके साथ बटरफ्ली की पार्ट लग गई उसके बाद और बाकी ट्रेनर्स को भी मैंने यहाँ के हराया यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर थे जिसे मैंने एक एक करके हराया जी मूव यूज़ किया और सारे ट्रेनर को हराते चला गया तो आप लोग देखो मैंने कैसे कैसे हराया तो इस ट्रेनर को हराया फिर आगे आगे कुछ ट्रेनर और हराए यहाँ पे मुझे एक एक्सक्यू दिखा फिर लास्ट एक परफ्यू फ्रू देखा फिर एक स्लो पुक था और फिर लास्ट मुझे एक बंदा मिला जिसने मुझे नगैठ दिया और फिर वो कहने लगा कि टीम रॉकेट में ज्वाइन हो जाओ मैं टीम रॉकेट का मेम्बर हूँ तुम भी ज्वाइन हो जाओ तो मैंने मना किया तो वो मुझसे बैटल करने लगा तो उसके पोकीमोन के भी मैंने वाट लगा दी और फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फिर यहाँ एक ट्रेनर था जो स्काई बैटल करना चाहता था लेकिन हमारे पास एक भी फ्लाइंग टाइप पोकेमोन नहीं है फिर मुझे अभी याद आया कि मैंने एक भी फ्लाइंग टाइप के पोकेमोन नहीं कैच किया है तो मैं अगले एपिसोड में एक फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन कैच करूँगा तो यहाँ पर एक बंदा मुझे बैटल करने के लिए तैयार था तो इसके पास एक स्टीलिक्स था मैंने अपने राउुट को भेजा उस पर फ्लेम चार्ज सुपर इफेक्टिव था तभी स्टीलिक्स मेगा इवॉल्व हो गया हम भी थोड़ी ना कम थे हमने भी फ्लेम चार्ज यूज करके उसे हरा दिया फिर मेरा फ्लेफी इवॉल्व होने लगा तो हमारा फ्लेफी अब इवॉल्व होके अपने से लास्ट स्टेज में चला गया जो है एम्फेरोस और वो थंडर पंच सीखने लगा था मैंने उसे ठंडर पंच भी सिखा दिया ठंडर शॉक को हटा के फिर यहाँ पे कुछ ट्रेनर थे तभी यहाँ पे एक और बंदा था जिसे हमने वाट लगा दी उसकी भी फिर उसके सारे पंख हराने के बाद फिर हम लोग जाते हैं आगे फिर आगे वाले ट्रेनर्स को भी मैंने हराया फिर हम लोग निकल गए बिल के पास तभी मुझे दिखा कि यहाँ से एक ग्लारन मोल्ट्रस जा रहा है आई थिंक इट अपेयर एट मैप तो मैंने मैप में चेक किया था यहाँ पे यह था ये कहाँ है ये रूट सेवेंटीन में अपेयर हुआ है तो हम लोग उससे भी कैच करेंगे पहले इनसे बैटल कर लेते हैं फिर ये दोनों मेरे पे हमला कर दिए थे मैंने भी इनसे इनके पोकेमोन पे हमला किया और इनके पोकेमोन के कुत्ते की मौत मारी तो सारे पोकेमोन यहाँ के ख़त्म हो चुके थे फिर उसके बाद मैं गया बिल के हाउस पे जहाँ पे एक टलेफेड़ी थी जिससे बात करने पे पता चला कि वो बिल है जो पॉकिन बन चुका है तो उसे ठीक करने के लिए हमारी हेल्प चाहिए उसने मुझे पी में एक बटन दबाने के लिए कहा मैंने पी में किया बटन का प्रयोग फिर वो टेलीपोर्ट होकर दूसरे वाले हॉल में आ गया फिर वहाँ से बिल निकला ये तो टिकटॉकर वाले बाल लगा के आया है तो उससे बात करने के बाद उसने मुझे थैंक यू कहा I on you one so did you some to see my Pokemon collection? You don't that burn. I have to thank थैंक और उसने मुझे एसएस टिकट दे दिया अब जिससे हम एसएस आने के सिप में जा सकते हैं वे मिलियन सिटी में और उसके बाद उसने और भी कुछ उस बताया कि पार्टी के बारे में और फिर मुझे गुड गुड टाइम करके जाने के लिए कहा तो सोच रहे हो इस ये पाइप के मदद से कैसे निकला होगा ये इस साइड फिर मैंने इसमें डाइनमैक्स बैटल करने का सोचा लेकिन यहाँ पर साइड अक्ट था साइड एक्ट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि हमारा फ्रॉगी डेयर काफ़ी है वाटर टाइप एक पोकेमोन है ही दस पोकेमन रख के हम लोग क्या करेंगे फिर हम लोग साइड के रास्ता से निकल गए क्योंकि और ट्रेनर से मुझे बैटल नहीं करना था फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर वापस से आ चुके थे अपने सिटी में अपने सिटी में नहीं मिस्टी की सिटी में फिर यहाँ पर हमने जिम में मैंने जिम में चैलेंज करने के लिए गया तो यहाँ पर मिस्टी के दो चमचे थे एक चमचा था एक चमची पहले चमचे को हमने जी मूव यूज़ किया और उसके दोनों पोखमन को हरा दिया फिर उसके बाद तो उसके आगे में दूसरी चमची थी जिससे हमें बैटल करना था दूसरी चमची से भी हमने बैटल स्टार्ट किया उसके पोखेमन को मैंने एक थंडर पंच में हरा दिया फिर उसके बाद यहाँ पे मिस्टी खड़ी थी तो मिस्टी से हमने बात करके उसके साथ बैटल स्टार्ट कर दी और मैंने लिटरली मैं दो बार मिस्टी से हारा तो फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई अपने चूटल को वाफ से बाहर बुला लिया क्योंकि चूटल ही है जो हमें जिटा सकता है अब कैसे आप लोग एपिसोड को पूरा देखो तब आपको पता चलेगा तो फिर उसके बाद मैंने मिस्टी के पास जाके चैलेंज किया उसे और फिर उससे बैटल ले लिया और फिर उसके बाद मैंने च्यूटल को सबसे आगे रखा था नहीं पहले मैंने लाइकन रॉक को बुलाया फिर उसके बाद हम यहाँ पे डायनामिक्स भी हो सकते थे पहले बाइट यूज़ करके मैंने इसके पोकेमोन की थोड़ी एच पी लो की फिर इसने रॉक ट्रैप यूज़ किया फिर मैंने बाइट यूज़ किया इसने मड शॉट यूज़ किया और फिर उसके बाद मैंने एक और बाइट यूज़ किया था इसने सुपर पोर्सन यूज़ कर लिया जिससे ये पूरा हिल नहीं आधा हिल हो चुका था फिर मैंने इस पर बाइट यूज़ कर करके इसे हरा दिया लेकिन इसने बबल बीम यूज़ किया जिससे मेरा पोकेमोन ख़त्म हो चुका था फिर उसके बाद मैं यहाँ से किससे बुलाऊँ मैंने राबुट को बुला दिया और फिर उसके बाद राबुट का एच खुद भी खुद लो हो चुका था शायद वो रॉक ट्रैप के कारण हुआ है फिर यहाँ पे इसने स्टारमी को बुलाया जिस पर मैंने हेडबट यूज़ किया जो अच्छा खासा वर्क किया फिर इसने एक अटैक से ब्रीन अटैक से मेरे पॉकेम की वाट लगा दी फिर मैंने एम्फायरस को बुलाया और फिर उसका मैंने इलेक्ट्रो बॉल यूज़ कर दिया फिर इसने ब्रीन यूज़ किया मेरे एच डाउन की लेकिन इलेक्ट्रो बॉल बॉल है जिसने इसकी बाट लगा दी फिर उसके बाद मिस्टी ने अपने अगले पोकेमोन को बुलाया और मैंने भी तो मेरा चुटल ले एक लेवल पर जा चुका था वो भी हेडबट सीख रहा था इसे भी सिखा देते हैं तो मैंने प्रोटेक्ट को हटा के इसे भी हेडबट सिखा दिया फिर उसके बाद मिस्टी अपने नेक्स्ट पोकेमोन को बुला रही थी तो मैंने अपने इसी पोकेमोन को रहने दिया फिर इस पोकेमोन पे मैंने एक टेकडाउन यूज़ किया जिससे ये एक शॉट में हार हार गया क्योंकि राबुट ने इसे लो कर दिया था राबुट ने लाइकन रॉक ने इसे लो किया था उसके बाद मैंने अपने च्यूडल को बुला लिया क्योंकि यहाँ पे एक पोकेमोन आने वाला था जिसका नाम कुछ है बारा कवर बहुत टफ नेम है तो इसने मुझे एक पॉइजन जब में हरा दिया तो फिर मैंने फ्रोगी डेयर को बुलाया अपना जिगर का टुकड़ा फिर मैंने इस पर यूज़ करने का सोचा लेकिन मैं सोचा कि मैं एम्फोरस को हील कर लेता हूँ जिससे हमें बैटल में काम आएगा फिर मिस्ट्री ने उसे डायनामैक्स कर दिया अपने पॉकीमॉन को और उसने मेरे पे ओज यूज़ कर दिया जिससे मेरे एच पूरी तरह से डाउन हो चुकी थी बस थोड़ी सी एच पी मेरा फ्रोगेड बचा लेकिन गलती से मैंने फ्रोगडीयर को हील कर लिया फिर उसने नेक्स्ट अटैक में मेरे पॉकीमॉन की वाट लगा दी फिर हमारे पास सिर्फ एम्फेरस बचा जो इलेक्ट्रिक टाइप है उसे मैंने बुला लिया बाहर उसे बुलाने के बाद उसकी भी एच डाउन हो चुकी थी तब फिर मैंने उसे जैगेंट मतलब डायना कर लिया और मैक्स लाइटनिंग उस पर यूज़ कर दी उसने मैक्स हेल स्ट्रॉन्ग यूज़ किया जिससे मेरी एच थोड़ी सी डाउन हुई लेकिन मैक्स लाइटनिंग के अलावा वो मैक्स लाइटनिंग के सामने वो टिकने कैसे वाला था वो एक अटैक में हार गया फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगा पूरे फील्ड में फिर उसके बाद मिस्टी ने अपने लास्ट पोकेमोन को बुलाया जो एक छोटा सा पोकेमोन था लेकिन वो एक बैक एक बड़े से पोकेमोन में इवोल्व हो गया इवोल्व बोलो या फिर चेंज फॉर्म कर लिया फिर मैंने इस पर मैक्स लाइटनिंग यूज़ किया एक अटैक के साथ इसकी भी वाट लग गई फिर आखिरकार हमने मिस्टी को हरा दिया अपना थर्ड सेकेंड जिम बैच ले लिया तो हमें हमारा सेकेंड जिम बैच मिल चुका था और फिर हम लोग जिम बैच लेके यहाँ से निकल ही रहे थे तो मिस्टी ने हमें वाटर पल्स दे दिया लेकिन हमारे फ्रोकी की वो अटैक पहले से ही आता था फिर हम लोग बाहर की ओर आ गए उसने बताया कि अब हम लोग कट भी यूज़ कर सकते हैं फिर हम लोग अपने जिम से बाहर आ गए और जिम से बाहर आने के बाद मैं जाता हूँ पोकमोन सेंटर में हील कराने तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी उससे पहले मैं चिटल को रख देता हूँ तो हाँ तो च्यूटल को मैं डिपोजिट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक वाटर टाइप पोकीमोन है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लेना और अगले एपिसोड में हम लोग चलेंगे अगली सिटी में और उसमें जिम बैडल करेंगे तो ठीक है आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में